जिला मुख्यालय नाहन में आज किसान सभा ने हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट का विरोध जताते हुए बजट की प्रतियां जलाई। किसान सभा ने इस मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। किसान सभा के राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से चुनाव के समय किए गए वादों को इस बजट में भुला दिया गया। किसानों को बजट में दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में पेश किया गया बजट आम लोगों के हित में नहीं है। किसानों, बागवानों समेत मजदूर तबके के लिए कोई योजनाएं केंद्र सरकार नहीं लेकर आई है, जिसके खिलाफ आज वो अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं और मांगों को बजट में नहीं सुना गया। किसान लंबे समय से अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहे हैं, बावजूद इसके बजट में सभी मांगों को दरकिनार किया गया है। गत दिनों पहले जो देश की सरकार ने जो यूनियन बजट पेश किया है, उस बजट का आज हम पूरे देश के अंदर किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उसका मुखालफत कर रहे हैं और उस बजट की प्रतियां हम लोग पूरे देश के अंदर जला रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर आज जिला सिरमौर मुख्यालय पर भी हम ये जो है बजट की प्रतियां जला रहे हैं। हमारा किसान सभा का कहना है कि बजट में जो मोदी सरकार ने किसानों के साथ वायदे किए थे आंदोलन के बाद भी, और जो अभी चुनाव के भाषणों के अंदर है मोदी सरकार और एनडीए ने जो है अपने भाषणों में कहा था कि हम किसानों के लिए ये फसलों की पैदावार और इससे जुड़े मुद्दों को लेकर, लेकिन अभी इस बजट में जो है केंद्र सरकार ने जो है किसानों के लिए कोई भी इसमें जो है प्रावधान उन चीज़ों का नहीं किया है। बजट में जो हमारा पहला मांग था कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हमारा MSP है फसलों का, वो जो है किसानों को दिया जाए, स्वामीनाथन आयोग को जो है उसकी सिफारिशें लागू की जाए, और जो किसानों के ऋण है पूरे देश के अंदर, छोटा किसान है, गरीब मार्जिनल पीजेंट है, उनको माफ़ करने की बात, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल प्रदेश किसान सभा इसलिए मुखालफत करती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी 5,000 करोड़ से ज़्यादा की इकोनॉमी हमारे सेब की है। हम ये कहना चाहते हैं कि सेब के ऊपर जो आयात शुल्क है उसको 100% किया जाए, ताकि हमारे देश का जो सेब है उसको अच्छा बाजार मिल सके और किसानों को फायदा पहुँच सके। हमारी मांग ये भी है कि जो केंद्र की सरकार ने, जो मोदी सरकार ने मंडी मध्यस्थता कानून MIS मंडी मध्यस्थता योजना MIS जो 1500 करोड़ रुपए हर साल उसके लिए दिए जाते थे, वो जो है केंद्र की सरकार ने उनको समाप्त कर दिया है 1500 करोड़ रुपए को किसानों की। और केंद्र की सरकार ने ये करने के बावजूद जो फलों का जो समर्थन मूल्य है सिर्फ 12 रुपए ही रह जाता है, जिसका जो है किसानों की आय पर और किसानों की जो है आमदनी पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर 7 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा मक्की की पैदावार होती है। सरकार के पास मक्की के लिए कोई MSP नहीं है, कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, और हमारा जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है मक्की की प्रोक्योरमेंट नहीं करता है। हमारी सब्जियाँ, टमाटर, लहसुन, अदरक और अन्य सब्जियाँ हैं, वो लाखों जो है मीट्रिक टनों के हिसाब से पैदा होती है, लेकिन इसकी कोई प्रिक्योरमेंट नहीं है, कोई उसका मूल्य नहीं है। और इसके साथ साथ जो हमारे मुख्य जो अन्य मुद्दे हैं कि हमारी फसलें जो है जंगली जानवर, आवारावर, नकारा पशुओं की वजह से किसान खेती करना छोड़ रहे हैं, सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है। अभी आपदा के दौरान हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले साल 12,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है खेती, मकानों, जल, जंगल, जमीन का नुकसान हुआ। इस बजट में उम्मीद थी कि उसके लिए कुछ राहत जो है उसमें दी जाएगी, लेकिन कोई कंपनसेट जो है केंद्र सरकार ने नहीं किया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है आज हम हिमाचल किसान सभा की तरफ से जो है इस बजट का विरोध करते हैं। ये किसान विरोधी बजट है और जो है इसका विरोध करते हुए इसकी प्रतियां जलाते हैं। आने वाले समय में जो है सरकार की हम मुखालफत करेंगे किसानों की बात को लेकर, अगर वो बात में आगे नहीं आती, यही मुख्य आज का है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।